एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी पॉडकास्ट के जरिए आप इसे सुन पा रहे हैं और एमपी न्यूज़ टीवी के जरिए आप इसे देख भी पा रहे हैं। जी आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी माना जाता है, वहां के महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो महाकाल कॉरिडोर है वो शिव सृष्टि के नाम से जाना जाएगा, जिसका लोकार्पण 11 अक्टूबर की तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर पूरी की पूरी सरकार जो है तैयारियों में जुटी थी, और एक तरह से कहा जा सकता है कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के कायाकल्प का ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरे देश में जो है एक आइडियल प्रोजेक्ट बनकर के उभरेगा। जिस तरह से काशी विश्वनाथ का जो है सूरत और सीरत जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदली, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ को लेकर जो लगाव है, अब उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के इस कॉरिडोर पर, जिसे कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिव सृष्टि का नाम दिया है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और जिसकी तैयारियों के लिए पूरी की पूरी सरकार और उज्जैन जिला प्रशासन की टीम जुटी हुई है। आपको इसी के साथ बता दें कि इस बीच बड़ा फैसला एक और लिया गया है कि आने वाली मंगलवार को मध्य प्रदेश की सरकार की जो कैबिनेट बैठक होती है वो महाकाल मंदिर के दरबार में होगी, यानी कि महाकाल नगरी में होगी। ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी जो है बतौर मुख्यमंत्री चल रही है, और ऐसे में ये उनकी पहली ऐसी बैठक होगी जो कि राजधानी भोपाल से बाहर होने जा रही है। जी हाँ, ये पहली ऐसी कैबिनेट मीटिंग होगी जो कि भोपाल से दूर यानी कि उज्जैन में आयोजित की जाएगी। ये चौथी पारी की पहली ऐसी कैबिनेट बैठक है जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम मंत्रियों के साथ में महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, जो कि मंगलवार को होगी, और उसके बाद जो है 11 अक्टूबर की तारीख का इंतज़ार बेसब्री से तमाम जो शिव भक्त हैं वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 11 तारीख को लोकार्पण करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो महाकाल कॉरिडोर की जो रंगत है वो देखते ही बनेगी, जिसे अब शिव सृष्टि के नाम से जाना जाएगा। ये दो बड़े अपडेट हैं जो कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस पर जो है फैसला लेने के संकेत दे दिए हैं। एक बैठक का अपडेट है यानी कि कैबिनेट बैठक, इस बार की जो कैबिनेट बैठक जो हर मंगलवार को राजधानी भोपाल में होती है, अब की बार उज्जैन में होगी। वहीं दूसरी तरफ महाकाल कॉरिडोर को अब शिव सृष्टि के नाम से जाना जाएगा, जिसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। बड़ी खबर उज्जैन के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता के लिए। एमपी न्यूज़ के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एमपी पॉडकास्ट के जरिए आप इसे सुन पा रहे हैं और एमपी न्यूज़ टीवी के जरिए ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।